मिली बड़ी कामयाबी। मित्तल मेगा मॉल में मारी गई पुलिस द्वारा रेड। मसाज पार्लर की एड में चल रहा था देह व्यापार। अब तक की बड़ी खबर यह है कि पानीपत के मित्तल मेगा मॉल में पिछले कुछ दिनों से मिल रही जानकारी के मुताबिक मसाज पार्लर की आड़ में देह व्यापार चल रहा था, जिसकी सूचना पानीपत पुलिस को मिली। वह पानीपत पुलिस से डीएसपी सतीश वत्स ने अपनी टीम द्वारा रेड मारकर तीन युवतियों समेत अन्य कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि पानीपत पुलिस को जानकारी मिली जिसके मुताबिक आज मित्तल मेगा मॉल में रेड की गई है। सूचना के आधार पर पता चला था कि यहाँ पर कुछ गलत काम होता है, उस आधार पर हमने रेड की। अभी आप देख रहे हैं रेड का लाइव ही देख रहे हैं, क्या अभी चल रही है कार्रवाई, थोड़ा सा फाइनल आपको थोड़ी देर तक बता पाएंगे। एक बार नाम पता चले कौन कौन लोस्टे को मसाज पार्लर का मालिक गिरफ्तार हो गया। हाँ मालिक ही बता रहा था, जो पकड़ा था उसने जो काउंटर पर था मालिक ही बता रहा था, बाकी पूछताछ से ही पता लग पाएगा। लगभग कितनी युवतियाँ थी सर अंदर? आपने काउंट किए हैं? 10 लड़कियाँ। तो किस नाम से चलाया जा रहा था जी? अभी सारी डिटेल में थोड़ी देर तक बता पाऊँ, क्योंकि अभी आपने देखा ही रेड में ही थे, वो भी सारा नाम पते नोट करके एग्जैक्ट आपको थोड़ी देर तक ब्रीफ में कर दूँ। इसकी जगह ग्राहक बनाया गया था जी? हाँ, आपकी तरफ से ग्राहक बना गया था। तो मसाज पार्लर के आड़ में कुछ एक्स एक्ट चलाया जा रहा था? हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट। कोई आपत्तिजनक कोई चीज़ मिली मौके पे? क्या मिला जी? ये सारी डिटेल में बाद में बताऊँगा आपको। सब आपत्तिजनक था, हमने जो बोगस जो नोट दिए थे हमारे बताए को वो रिकवर हुए हैं, और बाकी वहाँ देखने से लग ही नहीं रहा था कोई यहाँ पर कोई ब्यूटिशियन का या मसाज पार्लर का कोई काम होता है, ऐसा नहीं था। वो देखने से ही लगता है कि ये ठीक गलत काम के लिए हो रहा, तो अभी हम उसमें एफ आई आर दर्ज करके फर्दर कर रहे हैं। इसके लड़कियाँ नाबालिग भी बताई जा रही है इसमें जो अभी तो अभी देखने से पता लगेगा, उनके हम डॉक्यूमेंट देखेंगे तो पूछेंगे तब पता लगेगा कि नाबालिग हैं। इसके अलावा ब्रीफ करें सर, आपत्तिजनक क्या चीज़ मिली आपको जिसके हिसाब से ये सारा सब हुआ है? देखिए आपत्तिजनक कंप्लेंट थी, जैसे गुप्त सूचना थी कि वहाँ पर ऐसा कहाँ जी इंद्र बाबू बोगस ग्राहक बना के उसको साइन करके दिए, और वो रेट सक्सेस हुई है। वो बाकी सारी चीज़ें बताने की नहीं होती ओपनली, इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें हैं सब। जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 3 सालों में 2 से 3 बार मित्तल मेगा मॉल में मसाज पार्लर पर पुलिस द्वारा रेड की गई है। वह उस समय भी पार्लर की आड़ में देह व्यापार का काम चल रहा था। द चर्चा 24 के लिए पानीपत से श्रीनिवास की रिपोर्ट।